हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की की लाइफ प्रायोरिटी पर्सन कैसे बने, एक ऐसा इंसान कैसे बने जिसके साथ वो हर तरीके की बातें करने के लिए तैयार हो, जिसके लिए जिसको वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना ना करे, चाहे वो वहीं में जाने की बात ही क्यों ना हो। तो आज के वीडियो में आपको सही बात बताऊंगी। तो वीडियो का एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, तो आई वीडियो स्टार्ट कर। दोस्तों देखो, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो उसके लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि उसकी एक अलग ही जगह होती है। तो अगर आप भी लड़की की लाइफ में ऐसे इंसान बनना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहला है कि एक्चुअल में आप उसका ख्याल रखें। अब एक्चुअल में इसलिए कहा क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली लड़कों का लड़की का ख्याल रखने का मेन टारगेट कुछ और ही होता है, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ और ही चलता है और उसको ध्यान में रख के वो लड़की की एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, उसका ख्याल रखने के दिखावा करते हैं। और ऐसे लड़के लड़कियों को कभी भी पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ये इसलिए भी है कि अगर आप देखो, शुरू शुरू अपनी रिलेशनशिप को कुछ ही टाइम हुआ है या फिर लड़की ने थोड़ी बहुत बातचीत करना ही शुरू करी है, तो उतने में ही अगर आप उसकी ज़रूर से ज़्यादा केयर दिखाने लगोगे, ज़रूर से ज़्यादा उसको टेंशन दोगे या आप एक्स्ट्रा उसका ख्याल रखने की कोशिश करोगे या दिखाओगे, तो फिर कोई भी लड़की समझ जाएगी कि आपका मेन टारगेट कुछ और ही है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आप एक्चुअल में उसकी केयर करते हो। तो आपको तो लेने से मतलब नहीं है, बल्कि आप उसको कुछ देना चाहते हो, लाइक केयर हो गई, अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी तरफ से ये चीज़ें आप उसे फील कराओ। इसके अलावा दूसरी बात कि कभी भी आप एक लड़की को जज मत करो, क्योंकि जब भी कोई इंसान हमें जज करता है ना, यार वो तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसा कर सकती थी, तुम ये चीज़ कर, अगर ऐसे करती तो तुम ज़्यादा बेटर कर पाती, तो ये चीज़ होती है। अगर कोई इंसान हमें जज करता है ना, ठीक है, मौके देखता है कि कब हमें कोई कमी निकाले और कब वो हमें सुना सके, ठीक है, अच्छी राय दे सके कि हाँ उसकी तरफ से वो जैसा है वो परफेक्ट है, वो हर तरीके से बेटर है, लेकिन आप में कमी है, तो ऐसे लोग कभी भी किसी भी इंसान को पसंद नहीं आते हैं। तो लड़कियों को भी ऐसे लड़के पसंद नहीं आते जो हमेशा उन्हें जज करते रहते हैं। तो अगर आपको लड़की की लाइफ का एक ऐसा इंसान बनना है जो उसके लिए प्राइवेट पर्सन हो, जिसके लिए उसकी लाइफ में अहमियत हो, तो उसके लिए कभी भी आपसे जज ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो काम आपको करना है कि बड़े बड़े काम करने की बजाय आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए एफर्ट लगाएं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि जो लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो जिसके लिए कर रहे हैं उसको ये लगता है कि दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देख अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं, बर्थडे पे बड़ी सी पार्टी दे दी, ठीक है, सबको बुला लिया, तो कहीं ना कहीं लड़की को ये चीज़ें इन चीज़ों की बजाय छोटे छोटे काम अच्छे लगते हैं, जो जिनसे वो अपने आप को अलग फील करते हैं, ठीक है। तो आप जो है बड़े बड़े काम करने की बजाय छोटे छोटे चीज़ों के लिए उसके लिए एफर्ट लगाएं, जैसे कि आपसे बात करते समय कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यार तुम मेरी लाइफ में जब से आई हो तो मुझे ये लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है, मैं ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ, तुमसे बात नहीं होती है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं वो इमोशनली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, आपसे जुड़ने की कोशिश करें, तो आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो लगाव है वो बढ़े, तो उसके ज़्यादा चांस होंगे कि आप उसकी लाइफ के प्रायोरिटी पर्सन बनने लगोगे, एक ऐसा इंसान जिसके लिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना ना करें। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।